गरीब व कमजोर तबके के लोगों पर हो रहा जुल्म। बलिया में भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण महाअभियान भारत वर्ष की आवश्यक बैठक जमुआ में आयोजित की गई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति ने कहा कि अनुशासन और सांगठनिक सदृढ़ता के साथ आए दिन गरीब कमजोर समाज के लोगों पर जुल्म ज्यादती की जा रही है। कहा कि समाज के लोगों के उत्पीड़न के मामले में जहां सत्ता का संरक्षण प्राप्त धनबल पूंजीपतियों के प्रभाव में शासन और प्रशासन मुख दर्शक बना है, जनहित में संचालन होने वाले जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन होने से गरीब न्याय से वंचित है। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि आज भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में चरम पर है। देश की जनता ने भाजपा के नेतृत्व में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया था। जन समस्याओं को लेकर संगठन द्वारा शासन प्रशासन द्वारा दिया गया, लेकिन अब तक शासन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मैं अनिल कुमार प्रजापति हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण अभियान भारत वर्ष रजिस्टर। किस बात को लेकर आज आप मीटिंग यहाँ बुलाया सबके अपने सबके? ये हमारा पूरे देश के 14 राज्यों में एकीकरण अभियान प्रजापति समाज का चलाया जा रहा है, तो आज जनपद बलिया के गठन की बुनियाद रखनी है, उसी उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ आए हैं। क्योंकि आए दिन गरीब कमजोर आम जनमानस जुल्म जास्ती अन्याय उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, और जो यहाँ का शासन प्रशासन है या देश का प्रदेश का शासन प्रशासन है वो धनबलि पूंजीपतियों के प्रभाव में आकर के मूक दर्शक बना रहता है, और गरीबों को न्याय सही ढंग से नहीं मिल रहा है, तथा जो सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जनहित में संचालित हो रही हैं सरकार द्वारा, उनका सफल क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इन सारी विडंबनाओं को लेकर के हम समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तो आपकी अभी इकाई और नहीं है, मतलब आपकी संगठन और कहाँ कहाँ पर है? ये संगठन जगह जगह काम कर रहा है, हर जगह जो है 14 राज्यों में हम काम शुरू कर दिए हैं। बलिया में कितने मेंबर हैं इसका? बलिया में इस समय हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो 7 हो पाए हैं, आज संख्या इनकी बढ़ेगी। 7 लोग पहले टेलीफोनिक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से 7 सदस्य हमारे हैं। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक भी यहीं बलिया के रहने वाले हैं, जो आपके इस समय पूना में रहते हैं, वो एयरफोर्स के रिटायर अधिकारी हैं, पूना में सब परिवार रहते हैं। जो देखा जाए प्रजापति जो एक संस्था आपने बनाई है एकीकरण, तो इसमें बहुत सारे जो कि एजुकेशन से काफ़ी पीछे लोग होते चले जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? हाँ, हमारे लोग शैक्षिक आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक चारों बिंदुओं पर पीछे हैं। इसके लिए भी हमारा संगठन ये योजना बना करके काम शुरू कर दिया है। जैसे जितने गरीब परिवार हैं और उनके बच्चे प्रतिभावान हैं, वो पढ़ाने लिखाने में सक्षम नहीं है, उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था पूरा संगठन जो है कवर कर रहा है। जो बच्चे सेना और एयरफोर्स नेवी आदि में भर्ती होना चाहते हैं, उनके ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था हम शुरू करवा दिए हैं, और तथा जो गरीब परिवार अपने बहन बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, या इसके अलावा जो जुल्म जास्ती अन्याय उत्पीड़न समाज पर हो रहे हैं, इस तरह के तमाम सामाजिक कार्यों पर हमारा काम प्रारंभ हो गया है।